अभी क्या हुआ मम्मा? आपने तो मुझे डरा दिया। क्या हुआ माधुरी? इसे बाहर रेलिंग पे खड़ा देखकर मेरी जान निकल गई थी अभी। पर मैं तो वहां इसके साथ थी ना माधुरी। मम्मा मेरे लिए हमेशा डरी रहती है। आपको मम्मा ने समझाया है ना अभी, आपको वहां रेलिंग के पास नहीं जाना है। आप नहीं जानते वो कितना डेंजरस है। अगर आप पैर फिसल मम्मा को ये बताओ आप वहां गए क्यों थे? स्टार देखने। पर अभी मम्मा इज राइट। चलो अभी तो मैं वहां पर थी, पर कभी आप अकेले रेलिंग के पास ऐसे झांकने लगे तो फिसलने के चांसेस है ना। चलो मम्मा को सॉरी बोलो और प्रॉमिस करो कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। सॉरी मम्मा, मैं रेलिंग के पास कभी नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। कभी मत जाना बेबी, मम्मा को डरा दिया था। माधुरी तुम्हारी मेडिसिन तुम्हारे रूम में रखती है। ओके थैंक यू, बाय बेटा। तुमने मेरा प्लान आज फिर से बिगाड़ दिया माधुरी, पर रात्रि इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। डॉक्टर रुद्राक्ष के इल्जाम बाकी रह गए थे जिन्हें पूरा करने के लिए तुमने फोन किया है आत्रिका। आत्री मेरी बात सुन, डॉक्टर रुद्राक्ष का यंत्र स्थल पर जाना ये बता रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। अपना सवाल पूछ। मैं बस ये पूछ रही हूँ तू कर पाएगी ना? आई मीन तू श्योर है ना? ऐसा कोई काम है जो मुझसे पूरा ना हुआ हो? ये बेकार के सवाल नहीं है रात्रि। मैंने तेरे और राघव के पास रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर रुद्राक्ष को कुछ नहीं बताया। तेरी बड़ी बहन ने ना राघव के लिए तेरा पागलपन देखा है, तो तू तो चुप कर, समझी? मैंने पहले भी कहा था आत्रिका और मैं फिर से दोहरा रही हूँ, इतने सालों में मेरा पागलपन पूरी तरह से नफरत बन चुका है। जो उस काम को पूरा करने में मेरी मदद करेगा राघव बेशक मुझ पर आज भी असर करता है, पर उल्टा असर जिसका रिजल्ट राघव देखेगा अगले 24 घंटे में, जब मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगी। राघव हर बार की तरह फिर से ब्लेजर पहनना भूल गए। ओके। थैंक यू। हैंडसम लग रहे हो। इतना सजा धजा के अगर हर बार ऑफिस भेजोगी, किसी और का मुझ पे दिल आ गया तो मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। अच्छा। प्रॉब्लम बताऊँ? जो भी मेरे पास आता है ना, उसको मेरे शरीर से तुम्हारी खुशबू आ जाती, वो याद ही नहीं है। इसका एक सलूशन बताओ। बता दो। थोड़ा दूर रहो मुझसे। नहीं रह सकता ना। राघव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Hey, hi, good morning. Good morning, Ratri. Breakfast ready है, तुम दोनों breakfast कर लो। Thank you. Sorry, ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे NGO के काम के लिए late हो रहा है। हाँ, sure, sure. अच्छा, राघव, याद रखना,
अच्छे से सेफली अभी को स्कूल ड्रॉप कर देना। और आज उसका स्पोर्ट्स डे भी है, मैं वापसी में उसे पिक करते हुए आ जाऊंगी। मैं वो कर दूंगा, बट ब्रेकफास्ट, अरे ब्रेकफास्ट करके जाओ ना साथ में। जेन्युइनली बहुत लेट हो रहा है, मैं वहां जाके कुछ खा लूंगी। ओके वन सेकंड वेट राघव, आई होप तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई। एब्सोल्युटली, मुझे याद नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद लास्ट टाइम कब आई। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। थैंक यू। ये लो, कार में खाते में जाना, हमारे खाते प्लीज कुछ खा लिया करो प्लीज। जो हुकुम मेरे आका। लव यू। लव यू टू। बाय बाय बाय। अब्दुल चाचा जल्दी आइएगा प्लीज, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जी बेटा जी। हेलो सर, आप कब तक पहुंच रहे हैं? क्या हुआ, इतने हड़बड़ा में क्यों लग रहे हो? सर अपने प्लांटेशंस की मशीन्स को जब ऑन किया तो उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और सब एकदम से बंद हो गई। टोटल ब्रेकडाउन सर। किसी भी स्टाफ को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाना? नहीं सर, कैजुअलिटी होते होते रह गई, पर मशीनें जैसे बिहेव कर रही थी, सब देख कर थोड़ा घबरा गए थे। पिया को फोन दो जल्दी। सर मैम अभी आई नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। जब तक मैं ऑफिस नहीं आऊं तब तक सारे स्टाफ को कहना कि मशीन से दूर रहे। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऑफिस में कुछ अर्जेंसी आ गई है, कुछ ब्रेकडाउन हो गया। मैं बस अभी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूं, मैं तुमसे बाद में बात। लिसन, तुम ऑफिस जाओ, अभी को मैं ड्रॉप कर देती हूं। नो थैंक यू सो मच, मैं ऑफिस में ऑन द वे मैं ड्रॉप कर दूंगा। कम ऑन, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों राघव? माधुरी ने इतने हक से मुझे यहां रहने के लिए बोला, अब मेरा भी कुछ हक बनता है ना? और तुम्हारा ऑफिस तो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिर आई नो, बट एक काम करती हूँ, मैं ड्राइवर के साथ अभी को ड्रॉप कर दूंगी, तुम ऑफिस जाओ, डोंट वरी। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली, गो। थैंक यू। अब्दुल चाचा रात्रि को ले जाइए, अभी को स्कूल ड्रॉप कर दीजिएगा। बच्ची चाहिए। अभी को दीजिए। जी। आप चाहिए गाड़ी निकालिए। जाइए। जी जी। अभी बेटा, आज बहुत मजा आने वाला है। चले। हेलो माधुरी, मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंसी आ गई है तो इसलिए मैं घर से निकल गया हूँ। राइट। और अभी अभी का क्या? अभी रात्रि के साथ है, वो उसे कैंप ले जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कम ऑन रा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पिया है ना ऑफिस क्राइसिस हैंडल करने के लिए। आई नो, बट पिया अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची थी माधुरी, और उसको मैंने कॉल भी किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो इसलिए मैं निकल गया। और ये सब कुछ आज होना था? मैं एक दिन घर से बाहर निकली हूं और सब कुछ उलट पुलट हो गया। ऐसी बात नहीं है माधुरी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रात्रि है ना, एंड रात्रि रिस्पॉन्सिबल है, और अब्दुल चाचा भी तो है साथ में। तुम खामखा इतनी टेंशन लेती हो, क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो अभी को लेकर? जस्ट चिल, रिलैक्स, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज गुड, सब बढ़िया। प्लीज राघव, अभी सेम लेक्चर मत शुरू करो। बाय। अब्दुल चाचा एक बार गाड़ी रोकिएगा, अभी बेटा को चॉकलेट खाना है। क्यों, अभी को चॉकलेट पसंद नहीं? पसंद है मगर। मगर अभी स्ट्रेंजर्स के हाथ से कुछ नहीं लेती, करेक्ट? मगर मैं तो स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तो आपके पापा की फ्रेंड हूँ ना।
ठीक है, मैं आपसे चॉकलेट ले लूंगी, आप स्ट्रेंजर नहीं हो। ओके, गुड गर्ल। अब्दुल चाचा एक फेवर करेंगे जी, ये अभी को लेकर जाइए और उसको जो पसंद है ना चॉकलेट वो दिला दीजिए, कैंप में जब मन करेगा खा लेगी। जाओ बेटा। डॉक्टर रुद्राक्ष, स्कूल आ जाइए, आज मौका बहुत अच्छा है। और हाँ, उस बच्ची की आत्मा के लिए अपनी बॉटल लेते आइएगा। डेडलाइन के 40 घंटे पहले आपकी जीवात्मा आपके कब्जे में होगी। ले लिए चॉकलेट बेबी, अब आप कैंप पे इसको खा लेना। ओके, थैंक यू अब्दुल चाचा। थैंक यू। प्रॉमिस सर, आज तो यहाँ बहुत मजा आने वाला है ना? आपको प्यास लग जाएगी, आप पानी पी लो फिर खेलने जाना। नहीं। पर खेलोगे तो आपको प्यास लग जाएगी। आप पानी पी लो फिर खेलने चले जाना। ओके ओके। पीलो ना, पहले पी के जाते हैं, है ना? आंटी कितना मजा आ रहा है उधर। पीलो ना अभी, प्लीज। ओके। अब हमारे और विजय के बीच केवल एक घूंट की दूरी है। जैसे ही बच्ची की आत्मा बोतल में उतरेगी, हमारे बरसों की मनोकामना पूर्ण होगी, हमारी तपस्या संपूर्ण होगी। हाय बेबी। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज ना पैक करना ही भूल गई। मैंने कल शॉपिंग की थी और आपको ये लो, एक बार चेक करो ये स्किपिंग रोप वैसी है जैसी आपको चाहिए, और ये मुझे दे दो। ओह आई एम सॉरी, आपको प्यास लगी थी ना? एक काम करो, आप पहले पानी पी लो, ये लो।
मैंने आपको साफ पानी की बोतल दी थी, ये गंदा कैसे लग गया इसमें? मम्मा आपको साफ पानी भर के दे देगी, ओके? ठीक है मम्मा। वाह, आपको पता है अभी आपका ये स्पोर्ट्स डे देखकर ना मुझे भी अपने स्कूल की याद आ गई। तो मम्मा आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं बेबी, ऐसे नहीं कर सकते। पेरेंट्स आर नॉट अलाउड। मैं अंदर नहीं आ सकती। आने देंगे, आप चलो। ओके बेबी, अगर आपका इतना मन है तो मम्मा भी चलेगी, ओके? इस माधुरी की वजह से आज फिर से मेरे प्लान पर पानी फिर गया। थैंक यू सो मच। तुम इसे ड्रॉप करने बहुत दूर तक आना पड़ा ना? अभी के लिए मैं बहुत दूर तक जा सकती हूँ। ट्रस्ट मी। ओके बाय। थैंक यू। बहुत मजा आया बीबी, एंड आई एम ग्लैड आपको भी मजा आया। अच्छा, आज आपने टिफिन पूरा खाया है ना? नहीं बेबी, आपको पता है ना गंदा पानी यूज करते होंगे ना गोला बनाने के लिए, तो फिर कभी ओके चलो ले लीजिए, अच्छा पानी का है। सॉरी भैया, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। नहीं बेबी, आपकी मिस्टेक नहीं है। पता नहीं आप पे क्यों नजर नहीं था। I'm sorry बेबी, अगली बार मम्मा ऐसा कभी नहीं होने देगी, ओके? पक्का प्रॉमिस। समझ में तो आया आखिर जो हुआ वो था क्या? हमेशा उस बच्ची की माँ बीच में आ जाती है, हमेशा। डॉक्टर रुद्राक्ष, डॉक्टर रुद्राक्ष प्लीज इसे छोड़ दीजिए। जो हमारा विश्वास तोड़े उसे जीवित कैसे रहने दें? प्लीज मेरी खातिर डॉक्टर रुद्राक्ष प्लीज। कारण पे कारण दिए जा रही थी और हम इसका विश्वास किए जा रहे थे, कब तक? कब तक? मैं निशाना चूक नहीं रही डॉक्टर रुद्राक्ष, उसकी माँ बीच में आकर मेरे हर प्रयास को विफल कर दे रही है। जब तक वो माँ जिंदा है बच्ची तक पहुंचना नामुमकिन। तो माँ को मृत्यु दो, माँ को मृत्यु दो। दुलारी काकी,
अभी को प्लीज ले जाइए, उसके कपड़े चेंज करा दीजिए। आओ अभी बिटिया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मामा, वो राघव के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, बस उसी के बारे में सोच रही थी। आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया अभी, बाल बाल बच गए हमारी अभी मामा, लेकिन अभी तक कांप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुराई परछाई की तरह हमारे आसपास है, हमें देख रही है चिप चिप के, और जैसे मेरी नजर हटती है ना एकदम झपट पड़ती है। और मत भूलो कि वो जीवात्मा जिस कोख में, जिस गर्भ में इतने महीनों तक रही है, साधारण नहीं हो सकते। उस माँ की आत्मा को मुक्त कर दो, आत्मा हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी स्वयं वो जीवात्मा। यानी पहले माँ फिर बेटी? हाँ ठीक है, मैं आज ही उसकी माँ की आत्मा को उसके शरीर से मुक्त कर दूंगी। सावधान, तुम उसकी नियति का निर्णय ले तो रही हो, किंतु भूल करना तुम्हारी पुरानी आदत है। बस एक मौका और डॉक्टर रुद्राक्ष, इस बार डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना है। बहुत डर लग रहा है मामा।